In the first week of January, the Kashmir Valley has witnessed the season's first major snowfall. All the important highways and roads were cut off. People in both the rural and urban Kashmir complained of official apathy as the government's response to clear snow from the roads remained the far cry. बर्फ गिरी यहाँ पे तो थोड़ी सी मतलब इन्होंने ये रास्ता निकाला गाड़ियाँ चलने के लिए वो भी बर्फ के ऊपर फिर जितना कुछ हुआ यहाँ गाड़ियों ने भी बर्फ यहाँ से मतलब जैसे हम चलते हैं आगे पीछे तो इतना ही रास्ता हमारे पास है कल भी यहाँ एक पेशेंट आया गाड़ियाँ यहीं जमा थी फिर उन्होंने तोड़ फोड़ हमारी सो मुख की Some people lost their life due to this disconnection. थोड़ा सा बीमार था ज़्यादा बीमार भी नहीं थे तो एक्चुअली रोड की प्रॉब्लम हुई हमें तो रोड से बर्फ हमारी नहीं हटाई In South Kashmir's Shopian, about 60 km from Srinagar, Bashir Ahmed Famda fell sick right after the snowfall began. तो हमने R&B वालों को भी फ़ोन किया मैकेनिकल इंजन वालों को भी फ़ोन किया किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी तीन चार दिन हम फ़ोन करते रहे तो उन्होंने टाल मटोल की कि हमारे पास मशीन अवेलेबल ही नहीं है His son, Altaf Ahmed Famda, carried Bashir on their shoulders. चार पांच फ़ोन किए तो उन्होंने कहा आज और कल कोई बात नहीं बर्फ पड़ रही है तो मौसम थोड़ा क्लियर होगा तो हम आपको मसला क्लियर कर देंगे लेकिन कुछ भी नहीं उसके बाद छठे दिन के बाद फिर बर्फ़ हटाई वो भी आधी आधी हटाई पूरा रास्ता फिर भी क्लियर नहीं किया The 67 year old resident of Kellar village died on the way. This is not the first time such incidents have happened in the village. His death devastated his son. जैसे आपने देखा कि जनवरी के फर्स्ट वीक में काफी स्नो हुआ जो कहते हैं कि पिछले 15 साल में सबसे हेवी स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया गया उसके हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी के साथ जो भी रोड क्लियरेंस का मसला था काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हमने देखी है अभी भी जो अभी 23rd में आज जो स्नोफॉल हो रहा है उसके हवाले से भी हमने काफ़ी अच्छा तरीके से प्रिपरेशन किया है कंट्रोल रूम हमने डीसी ऑफिस में सेटअप किया है उसके साथ सारे डिपार्टमेंट्स जो भी है इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हेल्थ हो PHE हो PDD R&B हो उनके नंबर हमने हेल्पलाइन पब्लिक में इशू किए प्लस हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दी कि जो भी कोई सीरियस पेशेंट हो जहाँ इवैक्यूएशन की ज़रूरत है उनके लिए हमने व्हीकल अवेलेबल करवाई है उसके साथ उनको इंस्ट्रक्शन ये भी दी है कि उनको एक सेफ जगह पहले एडवांस में शिफ्ट किया जा सके ताकि कोई सीरियस हेल्थ इशू आगे ना आए While Washir lost his life, the villagers were successful in saving the life of another boy from the locality. After they carried him for over 6 hours on foot to a nearby hospital. Another 2 pregnant women also had to be carried to the hospital while locals cleared off the snow for them. Barf machine aate hain thoda barf uthate hain wapas jaate hain. Raat ko aate hain log sote hain wo raat ko aate hain din mein nahi kaam karte hain. Din mein log mat bolenge ye barf sahi uthao. Raaste mein yadar batfojan mein ek aadmi raaste mein mar gaya. किस लिए मर गया उस वक्त ऐसा बर्फ़ था 30 आदमी आ गया वो बर्फ़ उठाने के लिए एक चेन दो चेन उसने उठाया बर्फ़ कितना वो रास्ते में मर गया 4 घंटे में वो इतना बर्फ़ उठाया उसने दो चेन का In another such incident, the woman gave birth to a child before she could reach the hospital. Even as weeks have passed, most of the roads are still unclear and short distances are very difficult to cover. आप देखो सर हम अभी भी बिल भी हम भर रहे हैं हम पहले उधर नीचे रहते हैं जब 2014 में जब बारिश पड़ी है वो सैलाब आया यहाँ से ज़मीन फिसलने लगी है मैंने बहुत सारे इनसे गुजारिश की है कि सर हमारे को ये इधर पानी दे दो ये बिजली दे दो कुछ नहीं दिया सर उधर देखो अभी हम क्या दिखाएंगे बर्फ के नीचे अभी भी 10 पोल दबे हुए हैं 10 पोल दबे हैं लोहे का है वो Their problems are also compounded due to shortage of water and electricity.
हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, ना कहीं स्टोर है, ना कहीं पानी है, ना हमें कोई रोड है। बहुत मुश्किलात में इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं, बहुत मुश्किलात से हम यहाँ आ रहे हैं। और सरकार से कोई मदद आई आप लोगों को? क्या मदद आई है हमें, आज ही का मौसम ख़तरनाक है, इसमें कुछ भी नहीं आता है, हमें बहुत मुश्किलात है। पानी नहीं है, सड़क भी बंद है, 6-7 फुट बर्फ है इस वक्त, बहुत बड़ी बर्फ है। मुश्किल से यहाँ पहुँचते, सुबह निकलते हैं शाम को चमन पहुँचते हैं। पथ पहुँचा इलाका बहुत जंगली इलाका है। Fetch drinking water, the villagers have to make an audacious journey on slippery slopes and icy terrain.